काफी टफ फाइट इस बार नेक टू नेक लोग कह रहे हैं, लग रहा है आपको नेक टू नेक है, कैसा लग रहा है ग्राउंड पे? बहुमत से भी कहीं अधिक सीटें ला करके इस बार सरकार बीजेपी के नेतृत्व एनडीए गठबंधन की बनी। कहा भी था कि भाई 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, उन्होंने पिताजी का कसम खाया था। तो ऐसे इन्होंने कई एक वादा किए थे, उनको उन्होंने पूरा नहीं किया। अब सर एक और मुद्दा जो आप लोग जोर शोर से उठा रहे हैं वो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन का है देश में। अब JMM कहती है कि भाई ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, BSF है, केंद्रीय एजेंसियां हैं जो बॉर्डर की देखरेख करती हैं, कहीं से भी घुसपैठ हो रही है तो उसकी जिम्मेदार तो केंद्र सरकार होनी चाहिए। अगर आपके झारखंड में यहाँ लोग प्रवेश कर रहे हैं, उनका आप राशन कार्ड बना रहे हैं, उनका आधार कार्ड बना रहे हैं, उनका वोटर बना रहे हैं, उनके नाम से जमीन जायदाद हो रहा है, आप कर क्या रहे हैं? आपको देखना चाहिए झारखंड में इस बार किसकी बनेगी सरकार। एक तरफ JMM है जो कह रही है हेमंत सरकार दोबारा से बनेगी, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो पूरे दमखम से चुनावी मैदान में, तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर है झारखंड में। हमारे साथ बाबूलाल मरांडी साहब हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या असेसमेंट है इलेक्शन को लेकर उनका इस पर और तमाम चीज़ों पर? बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बातचीत के लिए सर। पहला सवाल ये कि क्या मूड लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टफ फाइट इस बार नेक टू नेक लोग कह रहे हैं, लग रहा है आपको नेक टू नेक है, कैसा लग रहा है ग्राउंड पे? देखिए अभी तक जितना कुछ भी मैंने जानकारी लिया है और जो मैं घूम भी रहा हूँ और जनता की जो उत्साह मैं देख रहा हूँ जी, तो उससे मैं कह सकता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छी मार्जिन से, यानी बहुमत से भी कहीं अधिक सीटें ला करके इस बार सरकार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की बनेगी। तो सर इतना आपको कॉन्फिडेंस है तो क्या कोई खास वजह, क्या लगता है आपको, केंद्र सरकार की स्कीम्स आपकी काम कर रही हैं या जो आप वायदे कर रहे हैं? नहीं, उसमें से कई एक चीज़ें, एक तो केंद्र सरकार की जो नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजना है या मोदी जी की जो गारंटी है, तो लोगों को उस पर ऊपर एक भरोसा है। और दूसरी तरफ जो 5 वर्षों में जो डेवलपमेंट का काम हुआ नहीं हेमंत सरकार, माँ बहनें भी काफ़ी पीड़ित रही, यानी पूरे राज्य में 5 वर्षों में अगर 2022 का अगर हम देखते हैं तो माँ बहनों के साथ जो दुष्कर्म की जो घटनाएं हुई वो झारखंड देश में शीर्ष स्थान पर रहा। तो कुल मिलाकर के ये भी लोग नाराज हैं और फिर 5 वर्षों तक इन्होंने धोखा ही लोगों को दिया, ठगा ही लोगों को, कई घोषणाएं किए थे, चूल्हा खर्च 2000 देने का, 72,000 रुपया साल में देने का, फिर इस प्रकार से उन्होंने कहा भी था कि भाई 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, उन्होंने पिताजी का कसम खाया था। तो ऐसे इन्होंने कई एक वादा किए थे, उनको उन्होंने पूरा नहीं किया और दूसरी तरफ झारखंड को उन्होंने लूटा भी। अब सर कांग्रेस वाले कहते हैं कि आसाम में 500 रुपये सिलेंडर का वायदा बीजेपी ने किया था, क्या वो हो पा रहा है? तो वो कहते हैं कि आप नहीं अपने वायदे पूरे करते हैं बाकी स्टेट्स में। हम लोग झारखंड में सब कुछ देख करके हम लोगों ने वादा किया है और इस बार हम लोग उसको पूरा भी करेंगे। सब माँ माटी और बेटी की बात, रोटी बेटी और माटी की बात आप लोग कर रहे हैं झारखंड में, लेकिन हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि सिर्फ जल जंगल और जमीन इसमें इंटरेस्टेड है भारतीय जनता पार्टी, उसको माँ से, माटी से, बेटी से, रोटी से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ जंगल जंगल और ज़मीन पर आप कब्जा करना चाहते हैं, ट्राइबल्स के आप विरोधी हैं और एक ट्राइबल क्योंकि CM है वो ना रहे लंबे समय तक, इसलिए प्रीपोन करा दिया आपने पूरे असेंबली इलेक्शन। देखिए पहली बात तो मैं कहूँगा कि झारखंड में अब 24 साल हो रहा है, 24 साल में 13 साल तक बीजेपी की सरकार रही है और 11 साल तक इन्हीं लोगों ने सरकार चलाई और इन 13 वर्षों में हम 3 मुख्यमंत्री आ रहे हैं। कोई भी नहीं बता सकता है किसी के किसी को कोई जमीन हम लोगों ने लूटा हो या किसी को बेघर किया हो। वो कहते हैं आप तो उद्योगपतियों को, अरे वही बात मैं बता रहा था। और जिनके साथ वो सरकार चला रही है झारखंड में कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस ने प्रदेश में 55-60 वर्षों तक देश में राज किया,
बड़े बड़े कल कारखाना खुला, खदाने खुले, डैम बने, लोग विस्थापित हुए झारखंड में। आज भी दर दर की ठोकरें खाते हैं, किसी को न्याय नहीं मिला। नरेंद्र मोदी जी के राज्य में एक जगह भी कोई बता दे किसी को कोई बेगरबर किया हो। तो ये राजनीति करते हैं, सिर्फ शब्दों की वो लड़ाई लड़ते हैं कि भाई जल जंगल जमीन या आदिवासियों को बेघर करेंगे। हम तो कहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए ना, बगल में तो एच सी है, आज भी वहां लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं बसाया आज तक, क्यों नहीं उनको पुनर्वास किया ठीक से। तो ये एक महीने पहले आपने प्रीपोन कर दिया इलेक्शन को, हमें एक महीना, एक महीना क्या बर्दाश्त करेंगे। हर कोई जानता है 6 महीना के अंदर में चुनाव होता है और इलेक्शन कमीशन कोई अधिकार है इतना में चुनाव करा, फिर एक महीना के बाद जो चुनाव होता है हम लोगों को पहले से पता है कितना ठंड लग जाता है, कुहासा हो जाता है। ये सबसे अच्छा मौसम है चुनाव का, ना ठंड है ना कुहासा है ना गर्मी है, तो आराम से आप घूमिए प्रचार करिए। अब सर एक और मुद्दा जो आप लोग जोर शोर से उठा रहे हैं वो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन का है देश में। अब JMM कहती है कि भाई ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, केंद्र में BJP की सरकार है, BSF है, केंद्रीय एजेंसियां हैं जो बॉर्डर की देखरेख करती हैं, कहीं से भी घुसपैठ हो रही है तो उसकी जिम्मेदार तो केंद्र सरकार होनी चाहिए। देखिए केंद्र सरकार कैसे घुसपैठ नहीं, देखिए मैं दो बातें कर रहा हूं जी। एक तो भारत और बांग्लादेश की सीमा 2000 किलोमीटर से अधिक है, बंगाल से बांग्लादेश सटा हुआ है और बंगाल से झारखंड सटा हुआ है, तो किसी ने हर जगह फेंसिंग नहीं हुआ है वायर की, कहीं ना कहीं से लोग चल करके आते हैं। फिर नेपाल का बॉर्डर तो यूं ही खुला है, घुसपैठ तो कहीं से भी करेंगे। आज तो मैं यूट्यूब में देख रहा था मुंबई में भी उनकी आबादी ढेर सारे बढ़ गया है, जो वहां की जो रिपोर्ट आज हम देख रहे थे यूट्यूब में बहस चल रही थी। और मैं यहां कह रहा हूं कि भाई हेमंत सोरेन का ये क्या उत्तर है, क्या ही जवाब है। मैं तो लोगों से कहता हूं कि आप सब होटल में कहीं रुके होंगे, होटल में रुकते हैं तो आपके ID प्रूफ लिया जाता है, और वो ID प्रूफ जब लेते हैं तो ID प्रूफ दिखाते हैं, क्या बोलते हैं उसका फोटो लेकर के फिर उसको सबमिट करते हैं। और प्रत्येक दिन थाना में भी वो लोग जमा करते हैं, कौन आया कौन रुका कौन ठहरा कहाँ के सब। भाई इतनी सिंपल बातें हेमंत सोरेन को समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपके झारखंड में यहाँ लोग प्रवेश कर रहे हैं, उनका आप राशन कार्ड बना रहे हैं, उनका आधार कार्ड बना रहे हैं, उनका वोटर बना रहे हैं, उनके नाम से जमीन जायदाद हो रहा है, आप कर क्या रहे हैं? आपको देखना चाहिए, आप देख नहीं रहे, आप उल्टे आप कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा, झारखंड हाई कोर्ट ने, कि भाई भारत सरकार के गृह सचिव और झारखंड के गृह सचिव मिलकर के कमेटी बनावे, इसकी सर्वे करें, उसके अगेंस्ट में ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं। यानी आप उनको वोटर बना रहे हैं, अपने वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। कितनी संख्या आपको है, अगर आप मानते हैं तो आपको क्या लगता है कितने वहां नहीं, पर मुझे मैं इतना ही कह सकता हूं कि इतनी संख्या ही तो सर्वे होगा तब फैक्ट तो आएगा। लेकिन इतना तो तय है, झारखंड में 1951 में देश आजाद होने के बाद जो सर्वे हुआ था और 2021 में अंतिम सर्वे हुआ है, 2011 में 51 और 11 के बीच में संपूर्ण झारखंड में 10% तो ट्राइबल की आबादी में कमी आई है, 2-3% की कमी आई है सनातनियों की, तो वर्ग विशेष की लोगों की आबादी बढ़ी है इन 60 वर्षों में। आखिर क्यों बढ़ी, कैसे बढ़ी? संथाल परगना में तो 16% की कमी आई है आदिवासियों की। तो ये जो वर्ग विशेष की आप बात करें, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए ही हैं? नहीं, मानते हैं कि हम मानते हैं कि भाई ऑर्गेनिक तो इतना नहीं बढ़ सकता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से घुसपैठ हुआ होगा, बांग्लादेश है, रोहिंग्या है, और ये लोग उन लोगों को वोटर बनाते हैं, ये लोग उन लोग राशन कार्ड देते हैं, ये लोग उन लोगों को जमीन दे के इन लोगों को बसाते हैं, और जब उनको निकालने की बात होती है, पहचान करने की बात होती है, तो सिरे से नकारते हैं कोई घुसपैठ नहीं हुआ। हम भले मान भी लेते हैं नहीं हुआ घुसपैठ, तो सर्वे करने में आपको क्या परेशानी। महुआ माझी से आज हमने बात की तो कहती हैं कि आसाम से घुसपैठ हो रही है और हेमंता बिश्व शर्मा यहाँ बैठे हैं अपना राज्य छोड़कर, तो कैसे घुसपैठ रुकेगी?
हमने कहा कि जहाँ घुसपैठ हो रहा है वहाँ तो सरकार देखेगी, यार देख भी रही है, वहाँ तो लोगों को पता ही है क्या हो रहा है वहाँ जी, लेकिन यहाँ जो घुसपैठ है उसके बारे में उनको बताना चाहिए ना। ये क्या मतलब हो गया कि वहाँ हो गया, वहाँ हो गया, वहाँ हो गया तो यहाँ भी होगा, ऐसा थोड़े चलने देंगे। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, कौन राज्य में क्या हो रहा है वो उस राज को देखेंगे, लेकिन झारखंड से तो उसको चुन चुन करके यहाँ से बाहर करेंगे। अब खरगे साहब कह रहे हैं कि जितने कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं है उससे ज्यादा बीजेपी के लोग प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं, झारखंड इतना इम्पोर्टेंट इलेक्शन इस बार हो गया है। झारखंड ही नहीं, पूरे देश में जहाँ कहीं भी चुनाव होता है वहाँ हमारे नेता जाते हैं, तो खड़गे साहब अपने क्यों आए हैं भाई? ये तो बुजुर्ग आदमी थे, आराम करना चाहिए था उनके लिए। अगर कोई इलेक्शन इम्पोर्टेंट ही नहीं है तो खड़गे साहब को तो बिल्कुल, ये उम्र भी हो गया था, उनको आराम करना चाहिए था। मैया सम्मान योजना की बहुत बात कर रही है जेएमएम, आपको लगता है ये स्कीम का इम्पैक्ट है? और ये क्योंकि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इस तरह की स्कीम से बीजेपी को फायदा हुआ है, लाडली बहना योजना, फिर छत्तीसगढ़ में जो आपकी योजना जो आपने अनाउंस किया, तो यहाँ पर क्योंकि अब उल्टा केस है, जेएमएम सत्ता में है तो उन्होंने एक स्कीम की है इसका आप देखिए। स्कीम उन्होंने शुरू किया लेकिन उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहे, किसी को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि सब इस बात को इस प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई आपने कहा था कुछ समय 2019 में कि सरकार बनेगी, 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे, 5 साल हो गया आपने दिया नहीं। उन्होंने कहा था कि सरकार बनेगी, गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे, आपने दिया नहीं। लड़कियों को आपने कहा था कि भाई शादी होगी सोने की सिक्का देंगे, 5 साल हो गया, आपने दिया नहीं किसी को। उन्होंने नौजवानों को कहा था कि भाई 5 लाख नौकरी देंगे, बाबूजी का कसम खाया था कि नहीं तो संन्यास लेंगे राजनीति से, आपने दिया नहीं। बल्कि जितना एग्जाम हुआ कंपटीशन की सब में पेपर लीक हुआ, लड़के सड़क पर आंदोलन कर रहे, अभी भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप लोग तो इतने डरे हुए हैं, एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं, एक ट्राइबल चीफ मिनिस्टर को हटाने के लिए उसके अगेंस्ट में तरह तरह की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो केसेस उनके ऊपर बना देती हैं। हम लोग काहे को बनाएंगे? अगर वो गड़बड़ करेगा, ट्राइबल हो कोई भी, ट्राइबल चोरी करेगा तो नहीं पकड़ेंगे क्या? हम तो कहते हैं ट्राइबल के नाम पर ये दबे ये व्यक्ति, पूरा देश में ट्राइबल को कलंकित किया। आज देश में कोई राज्य नहीं है जो इतना भ्रष्ट हो। मैं तो लोगों से कहता हूं कि 2 दिन पहले एक शहर से व्यापारी लोगों ने मुझे टेलीफोन किया कि साहब डीसी टेलीफोन करके बुला रहे हैं और कह रहे हैं 2-3 करोड़ रुपया पिसा दो। और उसके बाद फिर हमने रात में ही चीफ सेक्रेटरी को टेलीफोन लगाया और हमने उनके डीसी का नाम ले करके हमने कहा कि ये डीसी ऐसे गड़बड़ कर रही है, अगर ये टूल्स की तरह वसूल करेगी तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो आप बताओ ये टूल्स की तरह अफसर को यूज करते हैं, पैसा वसूली में लगा रखे हैं, तो ईडी कहां जाएगी, इनकम टैक्स वाले कहां जाएंगे, उनके सहयोगियों के यहां छापे पड़ रहे हैं, ये क्या राजनीतिक? हम तो सब छापे तो कहां पड़ेगा, पैसा तो उन्हीं के यहां मिल रहा है ना। एक मंत्री के आप तो सचिव उनके नौकर के घर से 33 करोड़ रुपया मिल जाता है तो छापा किसके यहां मारेगा, उन्हीं के यहां मारेगा छापा। तो क्या बाबूलाल मरांडी जी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बीजेपी की सरकार आती है तो? नहीं, मैंने कभी भी अपने लिए मैंने कुछ भी दावेदारी नहीं किया है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, आप तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं जी, और अध्यक्ष के नाते जो मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, वो मैं करता हूँ। पार्टी जीते और यहाँ बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बने एनडीए की, ये हमारी प्रयास है। चंपई सोरेन आए हैं दूसरी पार्टी से, उनको तो नहीं कहीं? नहीं, अच्छा है ना, चंपई सोरेन आए उससे हमारी पार्टी भी मजबूत हो रही वो है। भी हो सकते हैं क्या अगर नंबर्स आए? कोई भी हो सकते हैं, उसमें क्या है, बीजेपी किसी को भी बना सकती है, पार्टी तय करेगी उसमें क्या है। अब बड़े सरप्राइजेस हमने देखा पीछे, राजस्थान में आपका, मध्य प्रदेश में, और ये एकदम सरप्राइज कैंडिडेट आ जाता है तो क्या? देखिए, सरप्राइज ये नहीं है, मैं तो बार बार लोगों से कहता हूँ कि पार्टी ये चाहती है कि भाई हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े, देश की जो जन समस्या उनको लेकर के हम चुनाव लड़े, उसको हम आधार बना करके धीरे धीरे उस ओर पार्टी जा रही है। मराठी साहब, लास्ट सवाल, क्या प्राथमिकता होंगी अगर आप लोगों की सरकार बनती है राज्य में? देखिए, मैं तो बार बार लोगों से कहता हूँ कि इस राज्य में एक बड़ी समस्या है वो पलायन की जी, अगर हम नटशेल में कहें, या बेरोजगारी की,
अगर पलायन रोकना या रोजगार के अवसर सृजित करना तो उसके लिए मैं लोगों से कहा करता हूँ कि भाई झारखंड में पहला तो कानून व्यवस्था ठीक हो, यानी वातावरण भयमुक्त वातावरण बने, और दूसरा मैं कहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधारभूत ढांचा है वो ठीक हो, यानी अच्छी सड़क हो, अच्छी बिजली हो, अच्छी पानी हो, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा हो, यानी ये जो बुनियादी सुविधा है, आवागमन की सुविधा ठीक ठाक हो, ट्रेन की सेवा ठीक हो, हवाई सेवा ठीक हो, तो ये सारी चीज़ें ठीक ठाक हो जाएगी तो फिर बाकी चीज़ें अपने आप फिर ठीक होने लग जाएगी। कितनी सीटों की उम्मीद, अक्सर जब हम पूछते हैं तो नेता कहते हैं हम ज्योतिषी नहीं है, हम नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी हम पूछ लेते हैं, हमारा धर्म है पूछने का, कितनी सीटें आपको लग नहीं, मैंने बताया कि भाई पिछले लोकसभा चुनाव में NDA गठबंधन 51 सीटों पर लीड किए थे, हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं 51+ सीट जीतने की। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं भी, आप काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक आपको कैंपेनिंग का काम जो है वो चलता रहता है, उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं, और बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बातचीत के लिए।